हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल जेम। सो गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये गिल्टी लॉन्गनेस को इतना कंप्लीट किया था। अगर आपने अब तक मेरी और वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके देख लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा बना था और इसको अपर अटैक के साथ मैंने बनाया था। सिर्फ प्लेयर है ये, इसका थोड़ा ऊँचा इसलिए घूम पा रहा है थोड़ा सा। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ गिल्टी लॉन्गनेस की डिस्क एंड ड्राइवर, जो कि गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने ज़रा से यहाँ पे लग कर देता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वैसे लगेगा घूमते हैं। और ये बहुत ही अपर अटैक करेगा, देख सकते हैं इस पे गिल्टी अपर है, ये काफ़ी अच्छे से है। और अगर ये मान लीजिए कि सरप्राइजन है, इसके डिस्क का ड्राइवर मैं नहीं लगा के दिखा रहा अभी, क्योंकि ये अभी इसके जितने ही रहना चाहिए। तो जब ये गिल्टी लॉन्गनेस इससे ऐसे टकराएगा तो ये अपर अटैक करते हुए जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम बनाते हैं इसके डिस्क। सो गाइस, डिस्क बनाने के लिए आपको इस तरीके के कुछ पीसेस चाहिए होंगे। मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो देख सकते हैं इस तरीके के पीसेस आपको चाहिए होंगे डिस्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है अभी आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको इन दो पीसेस को यहाँ पे चिपकाना होगा। मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये चिपका लिया है। ये मैंने बीच में ये जो छेद है इसलिए किया है ताकि जो ये है हमारा बर्स्ट सिस्टम, इसको ये इस तरीके से आर पार हो सके इसके। और अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो पीस है इसके यहाँ लगा देना है। अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं हमारा आर्मर, क्योंकि मैंने आर्मर से पहले डिस्क बना दी, ये मैंने गलती कर दी, पर कोई बात नहीं, अब हम अपना आर्मर बनाते हैं। सो गाइस, आर्मर बनाने के लिए आपको इस तरीके के पीसेस चाहिए होंगे। और आपको क्या करना है कि दो ऐसे पीसेस लेने हैं और चेक करना है कि जो आपकी गिल्टी लेयर है उसमें ये आ रहे हैं या नहीं। तो जैसे देख सकते हैं कि मेरे लेयर में ये ऐसे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे इनको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इनको इतने साइज का कर लिया है कि ये मेरी लेयर में आ सके। देख सकते हैं ये दोनों यहाँ आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक लगाना है और यहाँ पे एक लगाना है। फेविक्विक से लगाइए ताकि मजबूत रहे। सो गाइस, मैंने सोचा कि अगर मैं उन दो पीसेस को ना लगाऊं तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो पीस कुछ अच्छे से आ नहीं रहते मेरी लेयर में। तो देख सकते हैं कि आर्मर भी रेडी है, बस इसमें मैंने यहाँ पे फेविक्विक लगा दिया ताकि ये एकदम लोहे की तरह टाइट रहे। तो आर्मर ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, देख सकते हैं ये फिट भी हो चुका है अच्छे से। और हमारी डिस्क कार्मा वो भी काफ़ी अच्छी है और ये इसके अंदर फिक्स आ जाती है, देख सकते हैं आप अच्छे से टाइट हो जाती है ये इसके अंदर। और डीबी कोर भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है टाइट, देख सकते हैं आप। ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगी, इसको थोड़ा बड़ा छेद कर देता हूँ। और अब हम अपना डिस्ट्रॉय ड्राइवर बनाएंगे। इस बार मैं अपने डिस्ट्रॉय ड्राइवर के टिप वैसे नहीं बनाऊंगा जैसे वो घूमती है नॉर्मल, वो जमी रहेगी। लेकिन इससे पहले मैं एक काम करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट कार्डबोर्ड है इसलिए इसके साइड साइड में मैं फेविक्विक लगाना चाहूँगा ताकि हार्ड हो जाए, मजबूत हो जाए और जिस भी बेबलेट से टक्कर हो इसकी तो उससे काफ़ी इजीली जीत जाए। मैं इसको स्टील स्पिनर नहीं बनाना चाहता हूँ। देख सकते हैं ये भी रेडी हो चुका है। तो हमारी पूरी लेयर रेडी हो चुकी है और हमारी पूरी डिस्क भी रेडी हो चुकी है। तो हमारा लास्ट स्टेप है हमारा ड्राइवर। तो अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसके लिए क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये कार्डबोर्ड का बना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको
ये कैप है, इसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ये यहाँ लग जाएगा और ये टिप यहाँ लग जाएगी, फिर हमारा डिस्ट्रॉय ड्राइवर रेडी हो जाएगा। और ये घूम स्पिन नहीं करेगा, ये नॉर्मली जमा रहेगा। तो अगर मैं स्पिन वाला बनाता था तो वो बहुत ही डिसबैलेंस होता था, लेकिन अभी ये नॉर्मल रहेगा तो अच्छा रहेगा। अभी आपको मैं चिपका के दिखा देता हूँ। सो गाइस, हमारा ड्राइवर रेडी हो चुका है, बस अब एक काम करना है, फाइनल टच, कि हमें ये इसमें लगाना होगा। तो अभी मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ।